हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सो गाइस, आज हम लोग वेदर को देखते हुए घर से घूमने निकले हैं। रास्ते में कुछ चीज़ों को कैप्चर करेंगे आप लोगों के लिए। सो गाइस, हमारे साथ वीडियो में बने रहे, एक अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश है। उम्मीद है हमारा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर भी कर दें, बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस करें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ होती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो बने रहे फ्रेंड्स हमारे साथ। पार्क के बाहर सब जाड़े में आने में मजा आता है, मगर है ना पिकनिक करने में। अभी तो ठंडा लगने वाला है ना, मजा है पिकनिक करने की तरह आके। हाँ, बरसात थोड़ा उमस हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो रास्ते से हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, ये राइट साइड जो है यहाँ का जमशेदपुर का कोऑपरेटिव कॉलेज है, जहाँ साइंस कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है कोऑपरेटिव कॉलेज की। तो इंशाल्लाह कोऑपरेटिव कॉलेज पे भी हम लोग एक ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी हम लोग रुके हैं गन्ना जूस पीने के लिए, जो यहाँ का बहुत फेमस है, सुनारी रूट में है। और यहाँ अक्सर मैं, आज से नहीं जब मेरा बेटा छोटा था सरान, उस वक्त से हम लोग यहाँ गन्ना जूस पीते हैं। तो हम लोगों ने मीठा मीठा बिल्कुल गन्ना जूस पी लिया है, बच्चों ने भी पिया, बच्चों ने बहुत मज़े किए। अब हम लोग फाइनली हाईवे निकल चुके हैं। ये जो हाईवे है सुनारी की तरफ से जो चांडिल का रूट जाता है वो हाईवे है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे हाईवे में और कुछ खूबसूरत लोकेशन हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, आप लोग देखें। बरसात फिर भी इतनी स्टार्ट भी नहीं है, कोई ना क्या हालत। छिप्पी मार मार के तो रोड और बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग NH 33 हाईवे में इन हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हाईवे का जो वेदर अच्छा है, हल्की हल्की धूप अभी निकल गई है, मगर बरसात का सीज़न है तो वेदर में वो गर्मी नहीं है जो गर्म मौसम में होती है। तो अभी हमारा अचानक से प्लान बना है कि हम कुछ देसी खाना खाया जाए आज। अब देसी खाना खाने के लिए हमें कहाँ चलना है, बस हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं कोई अच्छा ढाबा या रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ एक बेहतरीन सा देसी खाना खाया जाएगा और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर गाइस, बने रहे हमारे वीडियो में। और इस रूट में दो तीन फेमस होटल्स हैं, एक दिल्ली दरबार है, अभी एक नया सेफ्रॉन खुला है, प्लस रनवे ढाबा है और गिरधारी है। तो हम लोग इन सारे लोकेशंस पे होटल पे जा चुके हैं, बट अभी सेफ्रॉन में हम लोग नहीं गए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, उसका भी व्लॉग बनाएंगे। तो आप लोग खाली कमेंट्स से हमें बताएं दिल्ली दरबार, सेफ्रॉन और गिरधारी और रनवे ढाबा में इस रूट में आप लोग को कौन सा ढाबा खाना बहुत बेस्ट लगता है। तो प्लीज़ हमें इस चीज़ का कमेंट करके ज़रूर बताएँ।
बस एक अभी स्मॉल सा ब्रेक हम लोगों ने लिया है, पानी पियेंगे, कुछ हल्का फुल्का बच्चे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या स्नैक्स बच्चे परचेस करके फिर हम लोग फ़ौरन यहाँ से निकलेंगे। ये जो लोकेशन है ये चांडिल क्रॉस करते हुए चौका पड़ता है, चौका के जस्ट आगे हम लोग एक स्मॉल सा ब्रेक के लिए रुके हैं। बस अभी 5-10 मिनट बच्चे थोड़ा कुछ अपने चीज़ें खरीद ले, परचेस कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से सीधा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ खेत है और अभी खेती के लिए मौसम बहुत अच्छा है, मगर बारिश बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो, एवरेज बारिश हो, जिससे हमारे जो किसान जो खेती करते हैं उनको फसल उगाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो बस अभी हाईवे में चलते चल रहे हम लोग, अभी तक हमें कोई ढाबा मिला नहीं है बेहतरीन ढाबा या कोई ऐसा फैमिली ढाबा कि जहाँ हम रुक के खाएँ। तो आगे और चलते हैं गाइस, देखते हैं आगे कौन सा रेस्टोरेंट या ढाबा हमें मिलता है। और फ्रेंड जिस रूट से भी हम लोग गुजर रहे हैं इसी रूट में एक पालना डैम पड़ता है, वहाँ बोर्ड आपको रोड में नज़र आ जाएगा, अच्छा डैम है। बट अगर आपको जब भी जाना है तो पिकनिक सीज़न में जाए, और पालना डैम से रिलेटेड अगर और जानकारी चाहिए तो हमारे पिछले वीडियो को देखें, पालना डैम पे हम लोगों ने एक कम्प्लीट ब्लॉग बनाया है। तो गाइस अभी हम लोग हाईवे निकले थे, हमारा प्लान था कि कुछ देसी खाना खाने के लिए, क्योंकि होटल में बड़े होटलों में दिल नहीं हो रहा था, हमारा प्लान था कि देसी खाना खाए बिल्कुल। तो अभी हम लोग रांची हाईवे में हैं और ये अभी हम लोग यहाँ रुके, नया जो पंचवटी ओपन हुआ रड़गांव की साइड में, पंचवटी में रुके हैं, अच्छा होटल है पंचवटी में, यहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट अंदर का है, अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, साफ़ सुथरा होटल है, यहाँ बच्चों के लिए भी ड्रिंक्स आइटम है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आइटम है, और यहाँ हर तरह का वेज नॉन वेज दोनों है। ये वॉश बेसिन एरिया है, अभी मैं बैक साइड में जा रहा हूँ, बैक साइड से थोड़ा निकल के यहाँ के व्यूज़ कैप्चर कर लूँ। तो इसके बैक साइड का आप लोग देख सकते हैं जो बिल्कुल गाँव एरिया में है, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन लग रहा है, माशाल्लाह वेदर बहुत प्यारा हो रहा है। तो हमारा प्लान था देसी खाना खाने का, तो यहाँ पर हम लोग वही आइटम मंगाया, बिल्कुल राइस, प्लेन राइस, आलू का भुजिया, दाल फ्राई, पापड़ और फ्राई फिश। तो अभी खाना भी हमारा आ जाएगा कुछ देर में, ऑर्डर दे दिया हम लोगों ने। तो थोड़ा आउटसाइड का व्यू आप लोगों को दिखा दूँ, ये गाइस होटल पंचवटी, रड़गांव रांची हाईवे में है, रड़गांव में है, रड़गांव रोड जो पड़ता है रड़गांव एरिया उसी में है, बहुत बड़ा स्पेस में है ये, पार्किंग फैसिलिटी है यहाँ पर। और बिल्कुल रोड में है, देख सकते हाईवे यहाँ पास में ही, रांची जाते वक्त आपको रड़गांव पड़ेगा रास्ते में, रड़गांव में ही ये पंचवटी हाईवे है, पंचवटी ढाबा है, और इसके आगे जाएंगे तो रनवे ढाबा है। अभी थोड़ा अंदर चलता हूँ मैं, अंदर का तो व्यू दिखा दिया, फिर भी अंदर और कुछ दिखा दूँ आप लोगों को। ये आउटसाइड में बैठने का अरेंजमेंट है यहाँ पर, तो ढाबा अच्छा है, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। तभी हमारा जो खाने का ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद हम लोग दिखाते हैं क्या हम लोगों ने ऑर्डर किया है। सो फ्रेंड्स अभी हमारा खाना आ चुका है, देख सकते हैं प्लेन राइस है, आलू का भुजिया है ये, और फ्राई फिश है, चपाती है बच्चों के लिए, फ्राई पापड़ है, और हमें राइस के साथ ये दाल दी गई फ्री है, और ये आपका अचार है। तो खाना बहुत ही टेस्टी है, अभी मैंने एक निवाला चेक किया, खाना अच्छा मज़ेदार है, पंचवटी का खाना अच्छा है, लोग जानते हैं पंचवटी के बारे में। तो अभी हम लोग पहले अपना खाना फिनिश कर लेगा, तो उसके बाद आगे आपको सर वीडियो में बनेंगे। तो गाइज अभी अपना खाना हो चुका है, खाना हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया, अभी यहाँ बाहर हम लोग बैठे हैं, पंचवटी होटल के अंदर से हम लोग खाना खा के अभी बाहर बैठे हैं,
अभी हम लोग थोड़ा चाय का मज़ा ले लें। चाय बहुत टेस्टी है, पंचवटी की चाय अच्छी होती है। अक्सर हम लोग जब भी रांची जाते थे तो हम लोग पंचवटी जो रांची में जो बहुत पहले फर्स्ट वाला जो पंचवटी है, पहले वाला फर्स्ट ब्रांच, वहाँ खाते थे अक्सर। तो अभी ये रड़गांव में भी एक पंचवटी खुला है, टेस्ट सेम है और चाय भी अच्छी है यहाँ की। अभी हम लोग थोड़ा चाय पी लेंगे, थोड़ा देर बैठेंगे यहाँ पे बच्चे क्योंकि अभी खेल रहे हैं, फिर उसके बाद अभी हम लोग सीधा वापस अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो गाइस बने रहे हमारे साथ वीडियो में। सो अभी फाइनली गाइस अभी हम लोग निकलेंगे घर, मगर आयदा सरहान बोल रहे थोड़ा खेलेंगे पापा, यहाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि जगह बहुत खुली है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। अभी शाम हो रही है, बरसात का टाइम है, हम लोग ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। हम लोग रेनकोट रखे हैं, बच्चों का अपना रेनकोट हम लोग लेके चलते हैं बारिश के टाइम में। और फिर भी अब हम लोग सीधे यहाँ से 5-10 मिनट घर निकलेंगे, बच्चे थोड़ा सा खेल लें। तो गाइस व्यू बहुत खूबसूरत है, अगर जब भी रांची रूट पर निकलना हो तो एक बार पंचवटी ज़रूर रुके, यहाँ का देसी खाना खाए। बिल्कुल हम लोग देसी खाया खाना, आप लोग हम लोग शेयर भी किया वीडियो में। तो बने रहे गाइस वीडियो में, अब हम लोग घर निकलेंगे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स अब हम लोग रिटर्न हो चले हैं घर की तरफ, अब शाम हो गई और अब शाम की भी जो खूबसूरती है वो भी देखें कि लाइटिंग्स है, प्लस पहाड़ जंगल खेत कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी शाम का वक्त है, ड्राइविंग बिल्कुल आराम से करना है, धीरे धीरे चलना है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना है, तो सेफली घर पहुँचना है हमें अभी। और फ्रेंड्स जब भी हाईवे में ड्राइव करें, बाइक ड्राइव करें, तो प्लीज़ मेरे सारे यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि सेफली ड्राइव करें, गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड ना चलाएं, अपने कंट्रोल में अपनी बाइक को रखें। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चौका पहुंच चुके हैं रगांव से, और अभी चौका से जमशेदपुर हमारा लगभग 1 घंटा लगेगा। तो गाइज़ अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो हम लोगों ने अपने एक छोटे से सफ़र पे एक ब्लॉग बनाया है, पंचवटी में खाना खाया, कुछ हाईवे के खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर किए, उम्मीद है कि ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर भी कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो इंशाल्लाह गाइस आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अभी बस हम लोग यहाँ थोड़ा चाय पियेंगे, आंटी को मैंने कहा एक आंटी यहाँ पे, उन्हें हम लोगों ने कहा आंटी एक स्पेशल चाय पिलाई, तो आंटी ने कहा कि ठीक है बिल्कुल स्पेशल चाय पिलाएंगे। तो अभी आंटी चाय बना रही है, आंटी चाय बना लेंगी, तो चाय पीने के बाद अभी हम लोग 10 मिनट के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो ओके गाइस मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, मिलते हैं फिर आप लोगों से।